गाइस आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए आपके YouTube चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि 4000 घंटे जो आप कंप्लीट कर दो उसमें ऐसी गलती कर देते जिससे कि आपका चैनल खराब होने का डर रहता है। तो आपको क्या गलती नहीं करनी और किस तरीके से आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना चाहिए जिस तरीके से हमने किया है अपने चैनल का, और चैनल अपना मोनेटाइज भी कराया, तो आपको कितने दिन में या कितने मतलब महीने में आपके जो 4000 घंटे पूरे हुए इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप शुरुआत करते हैं तो आपको जब यूट्यूब पे नॉलेज लेते हैं तो आपको पता लगता है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर तो जल्दी पूरे हो जाते हैं, लेकिन आपको जो वॉच टाइम है वो बहुत ही लेट होता है। तो उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करना उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, और लीगल तरीका बताएंगे। कोई भी ऐसा ऐप नहीं बताएंगे कि इस ऐप में जाके उस ऐप में, ये पता है जब चैनल मोनेटाइज के लिए जाता तब बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमें ऐसे वॉच टाइम को नहीं लेना। यूट्यूब पता लगा लेता है कि आपने कहां से वॉच टाइम लिया है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप अपने चैनल में वॉच टाइम को इकट्ठा करना चाहते हैं 4000 घंटे का वॉच टाइम, तो आपको किस तरीके की वीडियो बनाना चाहिए, कितने मिनट का वीडियो बनाना चाहिए आपका शुरुआत। तो शुरुआत में आप जो भी करते हैं ट्यूटोरियल देने की कोशिश करें, ऐसा करें कि जो तो समझा सके, और कम से कम 30-25 के आसपास आप वीडियो रखिएगा। कोई भी आपने 30 वीडियो डाले, 30 और 25 मिनट करा, उसमें से कोई भी एक आधा चल गया आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, ऐसे समझ लो जैसे आपने 6 मिनट का वीडियो बनाया उसने 2 मिनट देखा, 10 मिनट का वीडियो बनाया उसने 4 मिनट देखा, 15 मिनट का वीडियो बनाया उसने 7 मिनट देखा। तो आपको वॉच टाइम चाहिए, थोड़ी नॉलेज भी दें, ऐसा नहीं कि उसमें ये भी बकते रहें। तो आप 25 से 30 मिनट बनाते हैं तो उसमें नॉलेज भी दें 15 मिनट, 15 मिनट अपने जो कुछ करना हो आप बता सकते हैं। ये बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगा शुरुआत में, और क्या कर सकते हैं वो आपको और बताएंगे। शुरुआत में आप ध्यान रखिएगा, आपको ऐसी गलतियां भी बहुत जरूरी होती है कि लोग आपको पता ही नहीं होता कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। शुरुआत में वो क्या करते हैं, पहले गलतियों की आप बात कर लेते हैं कि वो सब फॉर सब करने लगते हैं, वहां से वीडियो को मतलब बुलाते मेरे वॉच टाइम पूरा कर लो, मेरे वीडियो को देख लो। उसके बाद क्या करते हैं कि अपनी जो वीडियो की लिंक होती है वो एक दूसरे पैनल पे डलवा के वहां से 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कराते हैं, तो उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। अब दूसरा क्या है कि ऐसा भी होता है कि आप किसी को रुपए देके भी खरीदे जाते हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम रुपए देकर भी खरीदा जाता है, तो उससे भी आपको बचना है। ये बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, और क्या होता है कि आप दिमाग ये लगाते हो कि जीमेल बदल के देख लेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। एक क्या आती है कि प्ले लिस्ट है दूसरे फोन में पूरी रात चला के रख देंगे, ये आप सोच जो आप सोचते हो वो चीज हम आपको बता रहे, यूट्यूब को पहले ही से पता है। तो आप प्ले लिस्ट 100 वीडियो 25 वीडियो डालें, रात भर चलें, कुछ तो वॉच टाइम आएगा, तो जो आप वो वॉच टाइम आप सोच रहे हो वो आएगा, लेकिन यूट्यूब हाल बता देगा आपका ये प्ले लिस्ट है, यानी आपने वीडियो को चला के छोड़ दिया और जितने भी वीडियो ऑटोमेटिक चलते रहे उसी से आपका वॉच टाइम आया। तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी जब आपका चैनल मोनेटाइज के लिए जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है शुरुआत में, आप ध्यान रखिएगा ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपको शुरुआत में ऐसी गलती नहीं करनी जिससे कि आपके चैनल पर गलत इफेक्ट पड़े। अब बात कर लेते हैं, जैसे आपको वॉच टाइम करना है और अपने वीडियो को दूसरे फोन में देखना है, सिर्फ एक बार देखिएगा, एक बार एक वीडियो को देखिएगा, उससे कल वीडियो डालते हो तब देखिए, मतलब अपने आसपास की लोकेशन में जो फोन है उसको जब रिलीज करते हो सिर्फ एक बार देखना, वो भी सर्च करके। ये भी एक तरीका है कि जब शुरुआत में जब सब्सक्राइबर तो होते नहीं तो क्या करें, तो हर वीडियो को आपको सर्च करके देखना। अब बात करते हैं कि आपको और क्या कैसे कर सकते हैं वॉच टाइम। देखिए आप वॉच टाइम जैसे आपको करना ही है, अब जो घर के फोन में देख रहे हो उसमें आपको स्लो कर देना है, जो आपकी स्पीड होती है वीडियो की, जैसे जो पढ़ते हैं लोग बात तो स्पीड बढ़ा देते हैं, दुगनी कर देते हैं, जल्दी जल्दी बोलने लगते, तो वो कम भी की जा सकती है। तो उसमें आप दो कम कर देंगे तो यानी 25-50 मिनट का आपके वीडियो मिल जाएगा, इंगेजमेंट अच्छा मिल जाएगा, तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो और आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी थंबनेल को बेहतर बनाइए, क्योंकि लोग बात क्लिक करेंगे तभी आपके वीडियो को वॉच किया जाएगा, और आपको मतलब जो वीडियो देखा जाएगा तभी आपको वॉच टाइम मिलेगा। और देखिएगा एक चीज और कि जो भी आप वीडियो डालते हैं सुबह मतलब चेक करते रहिएगा कि 6 से 7 मिनट की डालें और 7 से 9 मिनट की डालें, 9 से 12 मिनट की, इसमें से देखें कौन से वॉच टाइम मतलब कौन से ड्यूरेशन का वीडियो आपका बहुत ज्यादा चल रहा है, आपको उस ड्यूरेशन का बनाना चाहिए। जैसे 25 मिनट का आपने वीडियो बनाया वो बहुत अच्छा चला, तो आप कोशिश करिए कि 25 मिनट का वीडियो बनाए शुरुआत में। आपने 10 मिनट का वीडियो बनाया वो बहुत अच्छा चला, तो आप कोशिश करिए उस ड्यूरेशन में वीडियो बनाने की, इससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा।
और लोग बाग यही सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं कि यहाँ से बहुत टाइम ले लिया, यहाँ से खरीद लें सर, हम वहां से खरीद लें, जब चैनल मोनेटाइज के लिए जाता है, सर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, उसमें रीव्यूज दुनिया भर का आ गया है, तो इससे हम कैसे बचें। तो हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया अपना, आपको बहुत टाइम कंप्लीट करना है, सिंपल आपको ये रखना है, वो जिस टाइम आपको वीडियो 2 दिन या 3 दिन, जैसा आप अपने चैनल का एल्गोरिदम सेट करें कि अपने वीडियो कब डालने हैं, तो उस तरीके से आप वीडियो डालिए, वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ा बढ़िया रखिए, बड़ी रखिएगा, वॉच टाइम आपको अच्छा मिलेगा, और आप थंबनेल ऐसा बनाइए जो क्लिक एबल हो, लोग बाग बहुत जल्दी क्लिक करें, और बस आपको यही करना। अब दूसरी बात क्या होता है कि, और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके चैनल का 1 महीने आपके जो भी जो पूरे महीने में व्यू या सब्सक्राइबर आएंगे वो बढ़ेंगे और अगले महीने कम रहेंगे, तो इस तरीके से चलता रहता है। जिस महीने कम हो आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि इस महीने तो मेरे मतलब 100 घंटे आते थे, इस महीने तो मेरे 85 आए, तो इससे आपको दिक्कत नहीं लेनी कि एक महीना मतलब अप रहता, एक महीने डाउन रहता, मतलब डाउन रहता, एक महीने अप रहता, तो ये हम क्योंकि हम देखते रहते हैं, हमें पता है। और आपका जब इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका 3 महीने में आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, और हम एक दिन वीडियो छोड़ के डालते तो मेरा 6 महीने में 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो गया था। तो आप रेगुलर वीडियो डालोगे तो, और जो हमने गलती की हमें पता ही नहीं था इस तरीके से किया जाता वो हमने आपको पहले ही बता दी, तो आपका बहुत ही जल्दी हो जाएगा। रेयर केस में आप 3 महीने मान लो, आपका 3 महीने में वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको गलतियां नहीं करनी, क्योंकि जिस आप शुरुआत में मेहनत अच्छे से करते हो, जब गलतियां हो जाती फिर मन नहीं होता है वीडियो बनाने का या आगे वीडियो डालने का, इसी प्रकार फिर आप यूट्यूब छोड़ देते हैं, तो इससे भी आपको बचना होगा। गलतियां नहीं कीजिएगा, लिंक किसी को शेयर ना करें, दूसरा कोई करता उसे करने दे, आप नहीं। आई होप आपको चीजें यहाँ तक समझ में आई हुई, और आपको वीडियो कैसा लगा जो भी होता है, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देखा सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बगल आपको जो बेल आइकन दिखा उस पर प्रेस कर लें, जिससे मेरा कोई वीडियो आता आपके तक पहुंच सके, और वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय।